السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही सुप्रीम यास्किन। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने की और एक मुझे 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। सुरेश को बुराई बाद हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? कितना अच्छा सपना देख रहा था। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे? हाँ मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा मिलेंगे क्या? हाँ दिशा पता नहीं। तुम्हारी जान फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं हारूंगा। बैड वाह। ओके कारण कैसे हो सकता है? डरो मत। एक नया युग आ रहा है। वाओ कमल हसन कल्की कल्की 27 जून। अच्छा कल्की, पहले तो ट्रेलर की एक अहम बात यह है कि इसकी जो CGI है और इसकी जो ग्राफिक्स जो के विजुअल इफ़ेक्ट्स है बहुत अच्छी तरीके से निभाए गए हैं। कई ऐसी फिल्में आती हैं, हम जब डिटेल्स में जब जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे खामियां हैं, लेकिन यहाँ पे खामियां बहुत कम दिखाई दे रही है। शायद बड़े पर्दे पर IMAX के थिएटर में जब देखेंगे हम फिल्म, शायद वो कुछ खामियां दिखाई देंगे, लेकिन बहरहाल वो खामियां अभी दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब इसमें बहुत ही मेहनत करे है इसके इस फिल्म के डायरेक्टर या इस फिल्म के मेकर्स ने, और अच्छी तरह से दिखाए गए ये सारे जो दर्शाए गए सीन्स हैं अच्छी तरह से दिख रहे हैं ऑन द स्क्रीन। अब आते हैं हम ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि साइंस फिक्शन है और साथ में एक मुस्तकबिल जो फ्यूचर है क्या होने वाला है फ्यूचर के टाइम में। जब भी ऐसी जब फिल्म आती है तो दिमाग में कई हॉलीवुड की फिल्में आते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा, मैं नहीं बोलूँगा माइकल लाल, मैं बोलूँगा वो क्रिएटिव आदमी नहीं आएगा कि वो बदलाव लाए। क्योंकि हर बार जब हम देखते हैं CGI ऐसे साइंस फिक्शन की फिल्म तो सेम टू सेम स्टार वॉर्स के जो जितने भी शिप्स है या फिर मैड मैक्स के जितने भी जो व्हीकल्स है या फिर ड्यून फिल्म जो आपने देखी, ड्यून मेरे ख्याल से पहला पार्ट या दूसरा पार्ट, ऐसी जब फिल्में आती हैं जो फ्यूचर के बारे में आती हैं तो ऐसे सब सेम कपड़े सेम ढंग के जो जगह रहती है डिजर्ट में हो या फिर कहाँ पर, सेम सेम टू सेम दिखाई देते हैं। ये कोई भी बदलाव नहीं ला सकता। बदलाव लाने वाला कोई ऐसा आना चाहिए कि उसका जो सोच है जो दिमाग का जो जितने भी आइडियाज़ है अलग तरीके से सोचे, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए आँख आपकी जो आँख है जितने भी ऐसे फिल्में देखी है वो आधी हो गई है
ऐसी फिल्मों जो देखने में, तो आपको कोई नया ढंग नहीं दिखेगा ऑन द स्क्रीन। आइडिया के या स्टोरी पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कि शक्ल है फिल्म का। बहरहाल डायरेक्टर बहुत ही अकलमंद है, फिल्म के मेकर्स ने इसमें मसाला, जो हिंदी मसाला है फिल्मों का, वो इसमें डाल दिया है कि आप देखेंगे एक हीरोइज़म और देखेंगे कुछ गरीब लोग और कुछ लोग ऐसे जो के पानी को तरसते हैं या फिर कुछ ऐसी बात है और कुछ लोग उन पे बहुत ही जुल्म करते हैं, तो हीरो आता है उनको बचाने के लिए एज अ रॉबिन हुड। तो ये एक अच्छी बात है हिंदी फिल्म के लिए, और साथ में एक बुज़ुर्ग आदमी जो सब जानता है उनके हालत में क्या हो रहा है, उनके मंच में क्या हो रहा है, तो ये बचाव के लिए हीरो के साथ कुछ ना कुछ करते हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के ये रोल निभा रहे हैं। और साथ में हीरोइन जो कि दीपिका पादुकोण है, और साथ में दिशा पतानी भी है, जो कि कुछ हिंदी गाने या फिर ऐसा मिक्सिंग ऐसा कुछ जो जलवे रहते हैं फिल्मों में मसाला के, वो इसमें निभाने के लिए, ताकि पब्लिक बोर ना हो जाए, ताकि पब्लिक ऐसा ना बोले कि अरे हमने ये फिल्में देखी है अमेरिका में, हॉलीवुड में ऐसा बहुत फिल्में देखी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मसाला है, एक्शन का भी मसाला है। अमिताभ बच्चन को आप एक्शन में भी देख रहे हो, कुछ कुछ ऐसे याद दिला रहे हैं मुझे थग्स ऑफ हिंदुस्तान की, अगर वो ऐसी बात हो गई तो मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ अलग बात रहनी चाहिए इस फिल्म के अंदर। बरबाज अच्छे लुक में दिखाई दे रहे हैं, बरबाज की जितनी भी फिल्म आई थी पैन इंडिया, जो कि हिंदी में डब है, ज़्यादातर उतनी अच्छी नहीं चली सिवाय बाहुबली के, तो ये फिल्म को चलना ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म में बहुत ही खर्चा हुआ है, बहुत ही इसकी प्रोडक्शन बहुत ही बड़ी है, तो हर बरबाज की फिल्म की प्रोडक्शन बहुत बड़ी रहती है, लागत बहुत रहती है, तो ये फिल्म को कमाई करने में आसानी होनी चाहिए, क्योंकि असल बात यह है कि इस साल में उतनी बड़ी बड़ी फिल्में नहीं आई हैं, और ये फिल्म एक वाहिद फिल्म रहेंगी या फिर दूसरी फिल्म रहेंगी चंदू चैबियन के बाद, जो कि बहुत बड़ी फिल्म रहेंगी जो 27 जून में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म में मैं बोला था कि इसके जितने भी CGI है बहुत अच्छे थे, अभी बात है फिल्म में इसकी स्टोरी लाइन किस तरीके से दिखाई देंगी और पब्लिक बोर ना हो जाने के लिए इसमें कितने कॉमेडी सीन्स रहेंगे, कितने रोमांटिक सीन, कितने वो जो एक्शन वाले जो सीन रहते हैं जो फिल्म हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं, इसमें कैसे निभाए जाए, इसमें कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि ये फिल्म एक फ्यूचर के बारे में है जो कि होने वाला है बाद में फ्यूचर, ऐसा एक सोच है, और देखेंगे हम फिल्म कैसी आएंगी। एक्टिंग परफॉर्मेंस इस फिल्म को शायद बचाएगा, जो कि अमिताभ बच्चन है लेजेंड, साथ में बरबाज और दीपिका पादुकोण, इन लोग की जो परफॉर्मेंस है वो फिल्म को ज़रूर और ज़्यादा बढ़ावा देंगी और पब्लिक को और खींचेंगी सिनेमा घर में। देखेंगे हम फिल्म और बताएंगे आपको हमारा रिव्यू। अभी तो ये ट्रेलर था, ट्रेलर आपको कैसा लगा, कितनी अच्छी चीज़ आपको दिखाई गई इसमें, कौन सी चीज़ अच्छे आपको लगे, प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताएं, जो अभी अच्छे नहीं लगे वो भी कमेंट में लिखकर बताएं, मैं पढ़ूंगा और आपको ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा मेरे चैनल को, ताकि ये चैनल सब लोग देखें। आपके जितने भी लोग चाहने वाले लोग हैं जो कि मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, प्लीज़ उनको ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, और अगली बार एक नए वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।